मैंने लाहौर से मेरी तालीम मैंने हासिल की। सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट से स्टार्ट करूँगी, वहाँ पे मैंने फाइन आर्ट सब्जेक्ट ऑप्ट किया इंग्लिश लिटरेचर के साथ। वहाँ पे मेरी टीचर्स रहीं मिस रिफत डार, निसाया सफवान, मिसेस अंजुम। उसके बाद फिर मैंने सर सईद अख्तर से ड्राइंग सीखी, उनकी एकेडमी में जाती रही। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लाहौर में जो वाक़ है वहाँ से मैंने अपनी तालीम जो बाकायदा आर्ट की तालीम है वो शुरू की। वहाँ पे मेरे कैलीग्राफी में मेरे मेंटोर रहे सर आरिफ खान। वहाँ पे मेरी टीचर्स हैं मिस राबिया नवाब कुरैशी, मिस आमना चीमा और सर अमजद परवेज, सर सराज चिश्ती, सर शाहनवाज जैदी, मिस राहत नवीद मसूद, सर जफरुल्ला खान और बहुत से बड़े नाम इस तरह के वहाँ पे मेरी टीचर्स रहे जिनसे मैंने अपनी आर्ट्स की तालीम ली। ग्राफिक डिज़ाइन में मैंने अपना बैचलर्स किया 4 साल का। उसके बाद फिर मैंने एम फिल किया ग्राफिक डिज़ाइन में ही, मैंने वहाँ से एम फिल किया। उसके दौरान पढ़ने के दौरान मेरा सब्जेक्ट कैलीग्राफी रहा जिससे मेरी इंस्पिरेशन रही जो कि सर आरिफ खान ने पढ़ाया। मैंने एक कॉम्पिटिशन भी जीता अपनी पढ़ाई के दौरान इस्लामिक रिलीफ कैलीग्राफी का जिसमें मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। और फिर मैंने थोड़ा गैप लिया डिज़ाइन से मुझसे दिख रही, मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। इन पेंटिंग्स में मेरी थीम रही है बिटवीन द अर्थ एंड स्काई, जिसमें मैंने ज़्यादातर आसमान के रंगों को पेंट किया और ज़मीन आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान के रंगों को पेंट किया। आसमान के मुख्तलिफ रंग, सूरज डूबते हुए, सूरज उभरते हुए और मुख्तलिफ मौक़ों पर आसमानों के डिफरेंट रंग जो अल्लाह ताला की खूबी और अल्लाह ताला की बड़ाई अपने का मुँह बोलता सबूत है वो पेंट किए। उसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी और आयात और डिफरेंट इस तरह जो कुरानी आयात हैं उनको लिखा। मज़ा है और बहुत मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ अपने काम में जब मैं कर रही होती हूँ। मैं जब डिज़ाइन करती हूँ मैं डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। जब मैं कैलीग्राफी करती हूँ, कैलीग्राफी जो है वो एक अलग ही दुनिया है, उसमें अलग ही एक चार्म है, अलग ही चीज़ है उसको करने में। उसमें अल्लाह ताला ही मदद कर रहा होता है, अल्लाह ताला ही उसमें वो अल्लाह ताला ने आपको चुना है ये करने के लिए तो वही करवा रहा होता है। वक्त डिपेंड करता है, बात का ये होता है कि कभी सोचने में कि इसके ऊपर किस तरीके से इसका लिखना है, किस तरह लेआउट बनाना है, टाइम भी लग जाता है। कभी मैं पेंट कर लेती हूँ, रखा होता है मैंने अपना बैकग्राउंड या फिर अपनी थीम पेंट करके कि मैं इस पर लिखूँ, और फिर ऑब्वियसली कामों में मसरूफियत में फिर वो डिले भी हो जाता है। जब बैठती हूँ करने के लिए, जब शुरू करती हूँ तो कुछ एक दिन में, दो दिन में, हफ्ता, महीना, लाइक हर पेंटिंग का अलग अलग टाइम है। कैलीग्राफी पे बहुत ज़्यादा असर मैं नहीं कह सकती क्योंकि जो फॉन्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनको उस तरीके से जो आर्टिस्ट अपने हाथ से लव्स पेंट करता है वो फ्लो उसके दिमाग के लिहाज से जा रहा होता है। लाइक मॉडर्न कैलीग्राफी, मैंने भी बहुत ज़्यादातर काम मॉडर्न कैलीग्राफी में, जहाँ अगर आप देखेंगे तो ख़त सूला से या फिर नस्तलीक मैंने फॉलो किया है, बाकी उसमें मॉडिफिकेशन जो मॉडर्न कैलीग्राफी में किया जाता है अपने लिहाज से मैंने की है। कंप्यूटर में एक लिमिटेड चीज़ होती है, उसमें भी अगर आप पेन टूल से या फिर उसको भी पेंट करें डिजिटली, उसमें भी वही चीज़ आ जाएगी। अगर डिजिटली पेंट करना शुरू करें वो भी डिजिटल पेंटिंग्स भी आती हैं, वो भी की जाती हैं, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन जो हाथ से पेंटिंग या फिर इस तरह फ्लो के साथ जा रही होती है वो एक बिल्कुल अलग चीज़। एग्जीबिशन में कराना चाहती हूँ, एक दो जगह मेरी बात चल भी रही है उसमें करने के लिए। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी एग्जीबिशन भी कंडक्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई करना चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज भी है मेरा लेकिन उसमें डिज़ाइन रिलेटेड ज़्यादा काम है, लेकिन मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसमें मुझे मैसेज करके मैसेंजर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते। पेज का नाम क्रिएटिव इमेज है। जो आसमान पे मुख्तलिफ रंग फैल रहे होते हैं मैंने बहुत सारे पेंट किए और इसमें से मैंने अल्लाह लिखा है, क्योंकि इसमें रंगों से ही इतना कुछ
बयान हो रहा है कि इसमें मैं कुछ और मैंने इसमें लिखा नहीं, इसमें सारे रंग जो आसमान के अलग अलग बिखेर देता है आसमान के ऊपर, वो मैंने इसमें सारे पेंट किए हैं। और अल्लाह ताला की ग्लोरी और अल्लाह ताला की अजमत जो है वो उससे अब उससे शो की है, उससे पेंट करके उसको जाहिर करने की कोशिश की। और उसमें अल्लाह का नाम जो कि गोल्डन रंग से जो एक बहुत ही जो अर्थ कलर्स में माना जाता, लाइक अच्छे रंगों में आप कह सकते हैं माने जाते हैं, गोल्डन सुनहरे रंग से सुनहरे लफ्ज जो लिखा है, बस ही गोल्ड कैनवस है। और इसमें मैंने चारों को लिखे हैं और इसमें भी आसमान का रंग जो है आसमानी रंग से सर्कल्स मजीद पेंट किए हैं, उसके अंदर मैंने अल्लाह का नाम लिखा। उसमें अगर ये मोटिव देखें, ये भी एक इस्लामिक मोटिव है जो मैंने पेंट किया, फिर उसमें बिस्मिल्लाह लिखी है। और ये जो रंग है ये आसमानी रंग में, फिर मैंने चारों को इसमें आसमान के रंग है जो ये अस्कार है सुबहानल्लाही वा बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल्अज़ीम, जो उसके सुबह के औकात में इनकी बहुत बरकत है कि मैंने सुबह में जो आसमान के रंग होते हैं जब सूरज ग्लो हो रहा होता है उन रंगों में बैकग्राउंड पेंट किया। और वही सुनहरा रंग इस इन कलमात को, क्योंकि ये कलमात की बहुत अहमियत है सुबह के वक्त पढ़ने में, तो सुनहरे रंग में इस पे उनको पेंट किया। और कलर्स वही जो मेरी थीम है बिटवीन द अर्थ एंड स्काई, स्काई के कलर्स जो सूरज ग्लो हो रहा होता है उस सबके रंग मैंने इसमें, नीचे मैंने सिल्वर रंग से इसका बैकग्राउंड पेंट किया है जो कि आसमान का मुखी रंग रहता है। जब सफेद रंग के बादल आते हैं तो सिल्वर कलर का आसमान नजर आता है। और सिल्वर मैंने इसलिए भी पेंट किया है, नूर भी कहा जाता है, इसलिए मैंने सिल्वर एक नूर का कलर आप कह सकते हैं इसलिए इसका बैकग्राउंड ऐसे पेंट किया। वही अर्थी कलर में मैंने सर्कल पेंट किए जो कि ऑकर कलर है, और फिर उसमें सूरह बकरा की आखिरी आयत को मैंने लिखा है। ये सूरह फातिहा मैंने लिखी है जो कुरान की पहली सूरत है, इसको भी नूर कहा जाता है। ये वो सात आयत हैं जिनको कहा जाता है कि जब ये नाजिल हुई तो शैतान जो है वो तड़प उठा। ये इसलिए मैंने सिल्वर में वही जो नूर है कुरान का सिल्वर कलर में पेंट किया, बैकग्राउंड आसमान के रंगों में पेंट किया। रात को जब आप देखें उसमें थोड़े से ऑरेंजिश ग्रीन का एक कलर आता है। और रहमान रहीम मैंने इसमें से बड़ा करके वाइट में लिखा जो कि प्योरिटी का कलर है, वाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी। ये भी आसमान के रंग, जब आसमान गुलाबी रंग का होता है सूरज डूब रहा होता है, और ये समंदर नीचे मैंने समंदरी रंग ब्लू कलर दिया समंदर में, उसमें मैंने आयतुल कुर्सी लिखी। ये भी एक अल्लाह ताला की शान बयान करती है कि आसमान से जमीन तक अल्लाह ताला ही की बादशाह है। मैंने आसमान से लेके समंदर की लहरों तक और या जमीन तक कह लें इसको आसमानी रंगों में पेंट किया। उसके डिफरेंट शेड्स जिस तरह आते हैं, मेरी थीम है बिटवीन द अर्थ एंड स्काई, स्काई के रंगों में अल्लाह ताला की अजमत तो एक तो कोई इंसान नहीं जा सकती। मैंने आयतुल कुर्सी को इस तरह इसे लिखा, अल्लाह का नाम सिल्वर में, सिल्वर और गोल्डन जो मेटालिक कलर्स हैं इनकी एक अलग हैसियत है, नूर और सुनहरी और सिल्वर कलर की। उसमें मैंने पहले अल्लाह का नाम लिखा, फिर मैंने उसी तरह कंट्रास्ट कलर्स इसको मैंने वही आसमान में जब लाल रंग का भी हो जाता है आसमान, और ये आयत करीमा है जो है ये लिखी है, लाल अल्लाह तस्बाना का बेशक अल्लाह ताला बहुत रहमान है, इंसान अपने आप पर खुद ही जुल्म करने वाला है। उसी हाथ से मैंने पीछे बैकग्राउंड में रेड कलर का स्काई पेंट किया। और आते आते ये वही जमीन का रंग ऑकर कलर में इसको पेंट किया। और जो आयत है इसकी बहुत बरकत है, इसको मैंने सफेद रंग में जो कि प्योरिटी का कलर है उसमें मैंने इस्लामिक मोटिव पेंट किया है, उसमें बिस्मिल्लाह लिखी है जो कि इस्लामिक आर्ट में और इस्लामिक डिफरेंट जगहों पे इस्लामिक मोटिव हुए वहाँ से इसकी इंस्पिरेशन ली है। और लोहे कुरानी को मैंने जो कि कुरान पाक के अल्फाज हैं की बहुत बरकत है, डिफरेंट अलग अलग रंगों में और उसी थीम के ऊपर आसमान और जमीन के अलग अलग रंगों में इनको, इसमें भी जमीन के रंग और जमीन के फूलों को जिस तरह सिम्बलाइज किया जाता है
ऑरेंज और लाल रंग से फूल को, और उसमें मैंने यासीन शरीफ जो कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है उसमें मैंने उसकी कुछ आयात जैसे सलाम, उसमें एक सलाम कलोम रब की तरफ से सलाम पेश है, सलाम है इसमें यासीन ने पेश केवल कुरान हकीम बेशक हिकमत वाला कुरान, और कुछ आयात थे पांच आयात और वो ये तीन या आखिरी तीन आयात है। और जमीन की सिंबलाइजेशन के लिए मैंने सर्कल इतने पेंट किए और उसमें मैंने इस